एक किताब ही तो है जनाब, जो कभी भेदभाव नहीं करती। रंगीन चित्र और काले अक्षर एक साथ रहते हैं यहाँ। नमस्कार, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूँ। और आपका सवाल है कि अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाई के अभाव में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। दोस्तों, क्रिएटिविटी हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति अपनी ही गलतियों से, जबकि पढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है और इसमें सब कुछ अपने आप एक्सपीरियंस करके सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत लंबा समय ले जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए पास के एक्सपीरियंस को पढ़ने और समझने से दिमाग में उपजे हुए सवालों के जवाब वो खुद से ढूंढकर अपने परिवार, इस समाज और इस सृष्टि के लिए एक बेहतर रिजल्ट निकालता है दोस्तों। जबकि अनपढ़ व्यक्ति सिर्फ अपने ही काम से प्रोग्रेस लेके आता है। दोस्तों, जहां पढ़ा लिखा व्यक्ति जानकर, किसी भी चीज को जानकर उसको प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है, वहीं अनपढ़ व्यक्ति मानकर प्रोग्रेस करता है। देखिए, जानने और मानने में क्या डिफरेंस है? जानना है किसी भी चीज की सत्यता को भांप लेना, वहीं मानना है कि वो विश्वास कर लेना। कोई भी चीज बार 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 उसके सामने रिपीट होती है तो उस चीज पे विश्वास कर देता है, एक बिलीव कर लेता है। वहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पीछे के साइंस को समझता है। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि अनपढ़ व्यक्ति खुद करके ही उसको सीखता है और जो उसमें नुकसान होता है उसको भरपाई करता है। जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी थ्योरी को पढ़कर समझकर उससे एक्सपीरियंस लेता है। दूसरा, जो भी आज रॉ मेटेरियल है उसको समझ करके उससे आगे प्रोसेस करता है, जबकि अनपढ़ व्यक्ति अपने ही एक्सपीरियंस से जीरो से शुरू करके प्रोसेस करता रहता है। इसीलिए अनपढ़ व्यक्ति पीछे रह जाता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट चीजों को सहारा बनाते हुए आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये जवाब आपको सहायता करेगा। आपका कोई भी कमेंट्स है तो इस कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों के साथ भी ये मैसेज पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।